नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार ने विज्ञापन पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के मौके पर विज्ञापन पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने केंद्र में अपने कार्यकाल के गुरुवार को 2 वर्ष पूरे किए हैं और इस मौके पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर केवल एक कार्यक्रम पर विज्ञापन पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इतालवी नौसैनिक सल्वाटोर को वतन लौटने की अनुमति। उच्चतम न्यायालय ने केरल में भारतीय समुद्री इलाकों में 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक सल्वाटोर गिरोने की वतन वापसी को गुरुवार को सशर्त अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अवकाशकालीन खंडपीठ ने गिरौने की याचिका स्वीकार करते हुए उसे इटली जाने की अनुमति दी। हालांकि न्यायालय ने अपने वतन पहुंचते ही वहां पासपोर्ट जमा कराने और प्रत्येक माह इतालवी पुलिस के समक्ष अपनी मौजूदगी की जानकारी देने का निर्देश भी दिया। न्यायालय ने कहा कि इतालवी पुलिस संबंधित रिपोर्ट इटली स्थित भारतीय दूतावास को नियमित रूप से सौंपेगी। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएफ नरसिम्हा ने याचिका का कोई विरोध नहीं किया। नेहरू गांधी परिवार ने जनता से की वादा खिलाफी, स्मृति ईरानी का आरोप। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को नेहरू गांधी परिवार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से गत लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जीत का अंतर 80% तक कम हो गया। स्मृति ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सलोन स्थित बस अड्डे के विश्रामालय का उद्घाटन करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस जो काम 60 साल में नहीं कर पाई वह केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 साल में पूरा कर दिया। कार्यकर्ता वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। मोदी सरकार 2 साल में पूरी तरह विफल, कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजग सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने गुरुवार को यहां कहा है कि उनकी पार्टी भले ही विश्वास के संकट से गुजर रही है लेकिन जल्दी ही यह अपनी पुरानी लय में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 साल पूरा होने पर सरकार की विफलताओं के बारे में जानकारी देने के मद्देनजर कांग्रेस के अभियान के तहत यहां आया अजय माकन ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। माकन ने कहा कि मोदी के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई थे। उनकी सरकार बनने के बाद पिछले 2 साल में वे इन तीनों में से किसी पर भी काबू नहीं पा सके। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।